गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शाहिन ब्लॉग। तो आज मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है और अब शाम को मैं बना रही हूँ चिकन। तो मैं सिर्फ आज रेसिपी दिखाऊंगी, तो मैं कुछ अलग तरीके से चिकन बना रही हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनेगा ये चिकन। तो ये ले लिया है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट, तो अभी हम इसको इसमें डाल देंगे इस तरीके से। ये सारे मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद में गैस पे रखेंगे पकने के लिए। तो ये डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और तो ये डालेंगे हम इसमें अभी हल्दी, ये हल्दी डाल दी है, और अभी डालेंगे हम ये रेड चिली पाउडर एक दो, क्योंकि हम थोड़ा सा रेड चिली कम इसलिए डालेंगे क्योंकि हम हरी मिर्च भी उसमें डाल रहे हैं। और अभी इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, मेरा चम्मच एकदम छोटा है इसलिए मैं 3 चम्मच डालूंगी, बहुत छोटा चम्मच है, बच्चों को जिससे खाना खिलाते हैं ना वैसा चम्मच है। और ये है हमारा घर का पिसा हुआ गरम मसाला, तो ये बहुत स्पाइसी है तो ये हम थोड़ा ही डालेंगे, ये मैं घर में ही बनाती हूँ गरम मसाला, बाहर से नहीं। और ये है टमाटर और हरी मिर्च, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। और ये है प्याज, ये हमने 5 प्याज काटे थे थोड़ा बड़े वाले, ये प्याज डाल दिया इसमें। और अभी इसमें डाल देंगे हम दही, तो 100 ग्राम का दही है तो इसमें आधा ही दही डालेंगे हम, इसको थोड़ा से कर दें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दही भी डाल दिया है अभी इसमें, तो हमने दही डाल दिया है। और अभी इसमें डालेंगे हम तेल, तो हम ले लेंगे चम्मच, ये वाला बड़ा चम्मच ले लेंगे। तो मैंने डाला इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और भी डालेंगे, ये डाल दिया मैंने ऑयल। और अभी इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी इसमें कश्मीरी मिर्च मेथी भी डालना है, कसूरी मेथी भी डालेंगे हम, ये अभी सब कच्चा है ना, तभी एक बार डल जाएगा ना, तभी ये इसी पानी में ही हमको इसको मसाले को ये करना है। तो ये हमने थोड़ा कसूरी मेथी ले लिया है, ये डाल दिया इसमें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अभी हमने नमक नहीं डाला है तो इसमें नमक भी डालेंगे, तो ये ले लिया है हमने नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि हर कोई स्पाइसी नहीं खाता है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। तो आज मेरा ब्लॉग सिर्फ रेसिपी का ही रहने वाला है, क्योंकि आज कुछ था नहीं ऐसा दिखाने के लिए, इस वजह से मैंने आज कुछ ब्लॉग बनाया नहीं। और तो क्या है ना, मेरे हाथों में जो दर्द हो रहा है मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा दर्द है, पर कर रही हूँ काम धीरे धीरे अपना, जो भी है कर लेती हूँ, कि अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए, बस कर रही हूँ अपना धीरे धीरे। तो अभी हमने ये सारे मसाले इसमें देखिए मिक्स कर दिए हैं अच्छे से, और अभी हम जलाएंगे गैस। तो ये है हमारा लाइटर, ये जला दिया हमने गैस, और अभी ये पतीली इसमें रख देंगे हम, और लगा देंगे इसको ढक्कन। तो ये लगा दिया है हमने ढक्कन, अभी 10 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे कि कितना पानी इसका निकल चुका है, उसी पानी में हम इसको फ्राई करके बनाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको 10 मिनट के बाद। हाँ तो ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से उसने पानी छोड़ दिया है, और अभी इसको हम मिक्स करेंगे और अच्छे से। करना है और इसी पानी में ही हम अपना चिकन पकाएंगे, इसी पानी में ही इसको गलाना है और इसमें ही भूनना है। हम जितना अच्छा इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अभी इसको हम वापस से ढक्कन लगा देंगे।
तो अभी हम इसका ढक्कन हटाकर देखेंगे। तो देखिए काफ़ी सारा पानी इसका सूख चुका है और अभी ये भूनने पे आ गया है। तो अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद में इसमें थोड़ा सालन करेंगे। तो अभी इसको हम अच्छे से भुनाई करते हैं। तो देखिए हमारा मसाला काफ़ी अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी, एक गिलास करीब, और अभी इसको मिला देंगे अच्छे से। थोड़ा देर स्लो आँच में इसको पकाएंगे सालन को। उसके बाद हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और हमारा हो गया ये टेस्टी सा चिकन रेडी। तो हमारा सालन भी पक चुका है अच्छे से और अभी इसमें हम डाल देंगे ये धनिया पत्ती, ये इस तरीके से। तो ये हमारा चिकन का सालन बनकर रेडी हो गया है। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए, और हम लोग भी खाना खाने बैठ रहे हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और देखते रहें शाहीन ब्लॉग। तो आज का बस इतना ही ब्लॉग था, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप वॉचिंग, बाय।